Wow. यार फिलहाल बाकी हो रहे हैं भाई। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फायर एंड पॉट पे। और गाइस, काफ़ी लंबे टाइम बाद हम फिर से एक नाइट कैंपिंग करने आए हैं, मैं और अंकित, और हमारे साथ है हमारे डॉगी भुट्टू। और हम आज अपने ही जंगल में आए थे, काफ़ी दूर है वैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये लोकेशन पूरा 360 व्यू। और आज रात को यहीं रुकने का प्लान है, तो अपने साथ पूरी तैयारी करके आए हैं, जो भी टेंट, स्लीपिंग बैग और खाने पीने का पूरा डिनर का सामान। तो अभी यहाँ पे पूरा सेटअप करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड बढ़िया है यहाँ पे रुकने के लिए रात को, और थोड़ा सेफ भी लग रहा है, आसपास खाली जगह है तो इजी रहता है, कोई भी चीज़ अगर रात में जानवर वगैरह आए तो उनको देखने के लिए इजी रहता है खाली जगह, तो इसलिए पेड़ों से थोड़ा सा दूर और अलग सी लोकेशन पे। तो अभी करते हैं, पहले टेंट पिच करते हैं, फिर फायर स्टार्ट, और देन उसके बाद डिनर की तैयारी, तो दिखाते हैं आपको आगे। तो ये टेंट भी छू चुका है, और इसके बाद मैं लाता हूँ लकड़ियाँ, आग शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और तब लकड़ी ढूंढ के लाओ फिर आग शुरू करो, उसमें बड़ी परेशानी होती है अंधेरे में, तो इसलिए मैं फटाफट करके चाहता हूँ कि पहले आग शुरू कर दूँ, आग जला दो और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करो, तब जाके कहीं डिनर की तैयारी करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे टेंट वगैरह पिच हो गया है, और ये सारा पानी वानी सब रेडी है, तो इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे फायर, और उसके लिए मैं लकड़ियाँ पहले ढूंढने जाता हूँ, मेरे पास एक छोटी सी सौ, और इससे ही काम होगा, लकड़ियाँ तो बहुत मिल जाएंगी, खैर इधर लकड़ियों की टेंशन नहीं है। शायद अभी थोड़ा सा डार्क आ रहा है, इसमें शक्ल सही से दिख नहीं रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ, और अभी लकड़ियाँ ढूंढता हूँ पहले। बहुत हार्ड, कोई सूखा पेड़ मिल जाए मजा आ जाए, जैसे कि ये देख सकते हो, देखते हैं इसको गिराने की कोशिश करते हैं, ये नहीं गिरेगा। ठंड बढ़ गई है उसकी वजह से, थोड़ा सा सांस भी जल्दी फूलती है, थोड़ा सा दौड़ने पे इंसान हाँफने लगता है बिल्कुल। लकड़ियाँ इकट्ठे करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ आपको, है
चगी चो तू वो देखो ना तो अभी पहले वेजिटेबल कटिंग हो रही है और जो डिश हम आज बनाने वाले हैं वो है एग पाव। उसके लिए ये प्याज टमाटर की चॉपिंग, और बॉयल एग और साथ में कच्चे एग, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे कैसे होगा। फिलहाल तो कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने ले रखे हैं 2 अनियन, 1 टोमेटो, 2-4 ग्रीन चिल्ली। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम। और बाकी मसाले वगैरह इसको डिसाइड कर देता हूँ यहाँ पे। टोमेटो, बारीक बारीक चॉप कर लिए, सो कटिंग इज डन। सो गाइस अभी तैयारी पूरी हो चुकी है और अभी कुकिंग चालू करता हूँ मैं। तो ये भी फैन रख दिया मैंने, अब इसके बाद क्या होगा, इसमें ऑयल डालेंगे। अंडे सारे बॉईल करे हमने, वो बाय मिस्टेक हो गए, पर हम ऐसे चला लेंगे। कुछ अंडे कच्चे चाहिए थे बट चलेगा। तो ये तेल, इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का तड़का लग सकता है, जीरा जा सकता है, बट हम इसको सिंपल ही रखेंगे। तो इसमें सिर्फ ये प्याज, थोड़ा सा प्याज बचा देंगे लास्ट में। तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा किस लिए बचाया है मैंने प्याज। किसको कितना खाना है, कितना खा सकता है उस हिसाब से। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा बोले तो स्वाद अनुसार। ये सॉल्ट आ गया, थोड़ा सा टर्मरिक। अब इसको थोड़ा सा पकने देता हूँ मैं यहाँ। इसमें चाहे तो बटर डाल सकते हैं, पर फिलहाल हम लोग बटर थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है इसमें। तो इसमें अब अंडे ऐड कर देंगे, बहुत सारे अंडे। देखो आप, इसको मैश करना है बढ़िया तरीके से। वाह,
शायद वो नहीं है तो या तो ना घर देखते हैं लाइट भी लगा ना मैं बस तो अब इसमें आएगा कोरिएंडर ओके वाह ऑलमोस्ट रेडी है ये इसको निकालते हैं साइड में और ये हमारे पास कर दे तो साइड में ये मैं पाव सेक रहा हूँ अभी ब्रेड टोटल मील यही रहेगा अभी और रात के लिए मैं देखूंगा थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह लेके आ रखा हूँ मैं थोड़ा सा जो डन हो चुके हैं उनके मैं निकाल रहा हूँ अभी इसमें एक लेना है यूँ रखना है और इसके ऊपर से थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली डाल सकते हो आप ऐसे इसको यूँ फोल्ड किया फिर दूसरा तैयार अपने अपने हिसाब से डाल सकते हो ज़्यादा कम प्याज भी थोड़ा सा लगाया और यूँ तैयार मज़ा आएगा आज तो ये कर चुका हूँ तैयार फिलहाल बाकी हो रहे हैं अभी तो अभी खाना वाना सब रेडी है डिनर और आग सेकते सेकते इसको भी खाएंगे और जो और रेडी हो रहा है उसको भी तैयार करेंगे धीरे धीरे खाते खाते उठो तो एग पाव फर्स्ट बाइट एग इतना क्रीमी हो चुके हैं अभी और आई थिंक यहाँ पे टाइगर वगैरह कुछ सीन है क्योंकि कुत्ता डर रहा है अभी कुछ चीज हो सकती है तैयार भी तैयार है यहाँ पे ले 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 ऊपर ले 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 देखो 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 ले बोले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ है तो हमें समझ में नहीं आ रहा पर डॉगी उसको बढ़िया देख सकता है वो डर रहा है तो कुछ होगा
तो अभी खाना भी खाते और अंदर जाते ले ले ले, ले इका, इका। बाहर का जो भी शर्ट है उसको फटाफट वाइंड अप करते और जल्दी से टेंट के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। टेंट के अंदर जाते हैं, डॉगी को भी रखते हैं, फिर आज पूरी रात जलानी पड़ेगी हमें। आग लगभग कंटिन्यू करनी पड़ेगी रात भर। कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ कुछ चल रहा है, शायद बाघ होगा या भालू, ऐसा कुछ हो सकता है। और वो इसको पकड़ने के लिए आएगा, हमारा तो कुछ भी नहीं करेगा, पर इसके इसको सूंघता हुआ आता है। और अभी हम पूरे जंगल में है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और होप सब रात में सब बढ़िया ही रहे। देखो देखो यूमे ले 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 यूमे ले मा, क्योंकि हमें पता नहीं है अंधेरे में से कहाँ से देख रहा हमें जानवर वगैरह। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। ले 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 उगना उगना ले ना ना।